काल्पनिक रेखा को कहते हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफस्टाइल पे। और आज सुबह हो चुका है और आज से क्लास खुल गया हम लोग का, तो अभी जा रहे हैं क्लास, घर निकलेंगे एक आध दिन में, तो अभी क्लास जा रहे, चलो क्लास में आपसे बातें होंगी। भाई साहब क्लास के अंदर पहुंच चुके हैं और देख सकते हो इतना भीड़ है, और ये हमारे मिथिलेश भाई साहब है। ओ भैया, हाय हाय, हेलो, कैसे हैं। इतना दिन के बाद खुला है तो सब लोग आए हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, और हम अपने सीट पे भी बैठने वाले मिल गया, बहुत दिन के बाद आए हैं। तो देख सकते हो सब भीड़ इतना कि पूछ मत भाई, क्लास में तो एक अलग ही लेवल का रहता है। और उसके बाद देख सकते हो हमारे भाई लोग बैठा हुआ है, मैंने भीड़ आने के बाद सब पहचान गए, सर वीडियो देख रहे, क्या संतोष, सब पहचान गए, फाइनली सर आ गए थे दोस्तों। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री अक्षांश। सब क्लास खत्म हो गया था और सब पहले लड़कियां निकलती हैं क्लास से, द्रोवा क्लास पूरा हाउसफुल चलता है भाई साहब, पूछो मत। तो भाई बाहर आए तो लाइन में लगा है सब, एक क्लास खत्म हुआ दूसरा क्लास शुरू होने वाला, तो देख सकते हो इतना भीड़ रहता है यहाँ ज्ञान बिंदु में, पूछो मत। और फाइनली उसके बाद तो देख सकते हैं भाई साहब अभी क्लास से आया तो मेरे स्टार बाबू जाग रहे थे, तो क्या स्टार कुछ कहना, 12,000 सब्सक्राइबर सदस्य लोग का क्या। या तो भाई साहब फाइनली रूम पे आ गए और क्लास से आ गए, क्लास अच्छा रहा, जो नया चैप्टर ज्योग्राफी शुरू हो गया हम लोगों का, और हो सकता है कल घर हम निकल लें, लेकिन अभी तो है यहीं पर। आज कपड़ा धीरे सिलाने के लिए, तो कपड़ा भी लाना है ईद का, तो चलो तो देखते हैं क्या करते हैं आगे, पढ़ेंगे अभी उसके बाद, अब तो रमज़ान रोज़ा चल रहा है। तो साहब सब सामान वन पैक कर रहे हैं, घर जाने की तैयारी हो रही है, और ईद के लिए ईद की तैयारी है, घर निकल रहे हैं सब लेके सामान, तो आज गंजी निकाले हैं और सब सामान बिखरा उखरा है, तो अभी सब सामान रेडी करें, अब जाएंगे इसके बाद नहाने वहाने, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तो चलो अभी। तो भाई साहब बैठ के पढ़ाई करने लगे थे और याद करना था, यही ज्योग्राफी हुआ शुरू, तो याद करके सुनाना है, और शाम का वक्त भी हो चुका तो अभी जा रहे बनाने, तो फाइनली खाना उना भाई बनाना है शाम का, और चिकन बना रहे हैं रात के लिए, मतलब तो रात में खाएंगे चिकन, आज बना रहे हैं। तो आ गए थे थोड़ा एनआईटी की तरफ, शाम में मन नहीं लग रहा था, तो हमारे साथ स्टार हैं, क्या स्टार, हाउ इज द फीलिंग। या इट्स अ टफ डे एंड टॉक टू मी दैट मिस्टर इंग्लिश ओ इतना इंग्लिश ज्ञान बाबू, कुछ कहना चाहते हैं। रियली फीलिंग ब्लेस्ड एंड सो थैंकफुल टू द ऑल द सिचुएशंस गिविंग बाय द नेट रिलीज। कुछ ज़्यादा ही लोग अंग्रेजी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए हैं सोचे ऐसे ही, बस कुछ काम तो था नहीं ऐसे, मतलब आगे फिर जाएंगे शाम में, एक आधा घंटा निकल जाएंगे यहाँ पर से, थोड़ा सा अच्छा से फील होता है तो आ जाते हैं, कभी कभी मन नहीं लगता है तो। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा बनने वाला है, एनआईटी बहुत विकसित होने वाला है, बैठे रहते शाम में बगल में ही है, तो अब शाम का वक्त रात भी होने वाला है, चलो अब रूम पे मिलते हैं। तो फाइनली भाई साहब रूम आ गए थे, रात हो गया था, तो बनाया था चिकन, वही खा रहे हैं और सामान वन सब पैक है, कल निकलना है घर भी ईद के लिए, तो चिकन क्या लाजवाब बना था भाई, क्या बताएं। भाई साहब एनआईटी से आ गए थे, फिर रोज़ा वोज़ा खोले और बैठ के खाना वाना खाए, देखे कितना शानदार चिकन चावल बनाए थे, मज़ा आ गया। तो यही था आज का ब्लॉग, और आज क्लास खुल गया है और उससे तक घर अब निकलेंगे, तो यही सब अच्छा लगा, और चल रहा है रमज़ान रोज़ा तो चल ही रहा है, सब लोग साथी में है, अब 2.5 महीने के बाद घर जाएंगे कल, तो चलो आज का ब्लॉग यही था, और आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें अपना। जय हिंद, गुड नाइट।